हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 6 जो कि है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, मतलब नए प्रश्न और नए नए विचार। तो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने पहले डिस्कस किए हैं और कुछ टॉपिक जो है वो बाकी रह गए थे, जिसको हम आज वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि है जैनिज्म। तो हमारा जैनिज्म वर्ड जो है जीना वर्ड्स से निकला है। जीना वर्ड से, जैना जो ये वर्ड है, जीना वर्ड से निकला है। और जीना का मतलब होता है कंक्वेरर, मतलब जीतने वाला, विजय प्राप्त करने वाला। जैनिज्म के लास्ट और 24वें जो तीर्थकार थे वो थे वर्धमान महावीरा। और इन्होंने अपने मैसेज को करीब 2500 साल पहले लोगों के बीच में, अपने मैसेज को लोगों के बीच में दिया, जब गौतम बुद्ध भी, गौतम बुद्ध के टाइम पे ही वर्धमान महावीरा भी थे। वर्धमान महावीरा एक क्षत्रिय प्रिंस थे, क्षत्रिय राजकुमार थे लिच्छवी के। और लिच्छवी जो है वो बज्जी का एक पार्ट था। वर्धमान महावीरा ने अपना घर, अपना उनका जो साम्राज्य था, उनको छोड़ दिया। और करीब 12 साल तक उन्होंने जाकर तपस्या करी, करीब 12 साल तक उन्होंने जंगल में जाकर कड़ी तपस्या की, के बाद उनको लास्ट में ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनका एक सिंपल सा डॉक्ट्राइन था, उनका सिंपल सा एक सिद्धांत था कि मेन एंड वीमेन हु विस्ट टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव दियर होम्स। मतलब कि मेन एंड वीमेन, जो भी पुरुष और औरतें जो हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति चाहते थे, जो सत्य की प्राप्ति करना चाहते थे, वो तभी सीख सकते हैं जब वो अपने घरों को छोड़ दें। महावीरा जो है वो, उनकी, उनका जो उपदेश होता था वो प्राकृत भाषा में होता था। टीचिंग वॉज इन प्राकृत लैंग्वेज, उनका उपदेश जो था वो प्राकृत लैंग्वेज में होता था। और प्राकृत जिस जगह में बोला जाता था, जिस क्षेत्र में बोला जाता था, उसी के नाम से प्राकृत, लाइक अगर मगध में प्राकृत जो है, अगर मगध में बोला जा रहा है तो उसे मगधी कहा जाने लगता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राकृत मगध में बोला जाता है देन इट इज कॉल्ड मगधी। प्राकृत भाषा जो है उनका, इनका सिद्धांत, चाहे हम महावीरा की बात करें या फिर बुद्धा की बात करें, तो इनका जो ये सिद्धांत था, इनका जो अपना उपदेश जो लोगों के बीच दिया करते थे, वो प्राकृत लैंग्वेज में इसी वजह से होता था क्योंकि प्राकृत भाषा जो है वो कॉमन लोगों के बीच, मतलब ये आम लोगों की भाषा थी, तो इस वजह से सारे लोग इसे समझ पाते थे। महावीरा का मानना था कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, वेदर दे आर पर्सन और दैट इज एनिमल और वर्ड्स, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो जीव जंतु हो, पक्षी हो, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। और महावीरा के जो फॉलोअर्स थे, जो उनके भक्त थे, वो भिक्षुक की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे, मतलब वो भिक्षा मांगते थे जाके दूसरे जगह पे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। और महावीरा के जो फॉलोअर्स थे, जो भक्त थे, उन्हें जैना कहा जाता था। तो जैनिज्म का रूल्स जो था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था कि लाइक अगर किसी को ट्रुथ जानना है, किसी को सच्चाई जानना है, तो उन्हें अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, उन्हें अपने बाकी लोगों से दूर रहना पड़ेगा और उन्हें बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पड़ता था। उन्हें भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करना पड़ता था और ना ही वो किसी व्यक्ति को हर्ट कर सकते थे, ना ही किसी एनिमल्स को, ना ही किसी बर्ड्स को। तो जैनिज्म को फॉलो करना फार्मर्स के लिए थोड़ा मुश्किल था, हार्ड फॉर फार्मर्स, क्योंकि अब फार्मर्स जो है वो खेत में काम करते हैं, तो खेत में काम करते हैं तो वहां पे कुछ कीड़े मकोड़े होंगे जो उनकी फसल को नष्ट करेंगे। तो अगर वो महावीरा को फॉलो करते हैं तो वो उस कीड़े मकोड़े को नहीं मार सकते हैं और इस वजह से उनका क्या होगा, फार्मिंग जो है वो अफेक्ट होगा। तो इस वजह से फार्मर्स के लिए महावीरा को फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट था। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज संघा। कि संघा क्या था, क्या रूल्स थे संघा के।
तो अभी तक हमने जाना कि बुद्धा और महावीरा दोनों जो है वो लोगों के बीच उपदेश दिया कर रहे थे। तो महावीरा और बुद्धा दोनों का ये मानना था कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति सत्य को खोजना चाहता है, तो वो तभी कर सकता है जब वो अपने घर को छोड़ दे, अपने घर से दूर रहे। तो संघा जो है बेसिकली एक एसोसिएशन था फॉर दोज पीपल हु लेफ्ट होम टू गेन ट्रू नॉलेज। संघा जो है वो एक एसोसिएशन था, एक संगठन था उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपना घर छोड़ा था सत्य की प्राप्ति के लिए। महावीरा और बुद्धा के फॉलोअर्स बनने के लिए, उनके भक्त बनने के लिए बहुत सारे ऐसे रूल थे जिन्हें लोगों को फॉलो करना पड़ता था। तो इन सारे रूल्स का वर्णन एक बुक में किया गया है जो कि है विनय पताका। इट इज अ बुक इन विच रूल्स वर रिटन डाउन विच द संघा हैव टू फॉलो। मतलब जो लोग संघ को, जो लोग वर्धमान महावीरा और बुद्धा को फॉलो करते थे और जो रूल्स वो फॉलो करते थे वो इस बुक में मेंशन है। तो इस बुक से ये पता चलता है कि देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वीमेन टू लीव। मतलब मेन औरत और पुरुष को रहने के लिए अलग अलग ब्रांचेस थे। मतलब वे लोग एक साथ नहीं रहते थे, वे लोग अलग अलग रहते थे। और देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वीमेन टू लीव। तो उन लोग और जो व्यक्ति इन संघा को ज्वाइन करते थे, अगर वो दास हैं तो अपने मालिक से, अपने राजा से उन्हें ऑर्डर लेना पड़ता था ज्वाइन करने के लिए। अगर कोई चिल्ड्रन है, अगर कोई मतलब अगर कोई बच्चा इस संघ को ज्वाइन करना चाहता है, संघ में जुड़ना चाहता है, तो उन्हें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना होता था। अगर कोई वाइफ ज्वाइन करना चाहती है संघ में तो उन्हें अपने हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ता था। और जो भी इस संघ में जुड़ते थे उन्हें बहुत ही सिंपल लाइफ जीना होता था, भिक्षु की तरह भीख मांगना होता था। और वो भी पूरा दिन नहीं, कुछ फिक्स टाइम हो, लोगों के बीच उपदेश दिया करते थे, लोगों को बताया करते थे कि दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें। तो अब हम बात कर लेते हैं मोनेस्ट्रीज के बारे में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर आज का खत्म होगा। बुद्धा और महावीरा के जो फॉलोअर्स थे, जो भक्त थे, वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे उपदेश देने के लिए। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर वो एक जगह से दूसरे जगह पे उपदेश देने के लिए जाते थे। बट इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ट्रेवल इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में, बरसात के टाइम में, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता था एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए। तो इट वॉज ओनली रेनी सीजन when they used to stay for some times। तो ये सिर्फ रेनी सीजन ही था जहाँ जब वे लोग कुछ समय के लिए एक जगह पे रहते थे। तो उनके रहने के लिए जो जगह बनाए जाते थे उस टाइम पे, उसी को हम मोनेस्ट्रीज कहते हैं। तो ये जो है वो पहले बनाया जाता था, पहले तो ये मोनेस्ट्रीज जो है, पहले जो श्रद्धालु जो थे वो बुद्धा के हो या फिर महावीरा के, या तो वो किसी गार्डन में रहते थे, फिर उसके बाद जो है वो गुफा में रहने लगे, नेचुरल केव्स, गुफा में रहने लगे, बाद में गुफा में रहने लगे, फिर माउंटेन वाले इलाके में रहने लगे। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे उन्हें लगा कि नहीं, देयर इज नीड परमानेंट शेल्टर्स, मतलब कि कुछ ऐसे परमानेंट शेल्टर होने चाहिए, कुछ अस्थायी आश्रय होना चाहिए इनके रहने के लिए। तो बेसिकली मोनेस्ट्रीज जो है वो हुआ करते थे परमानेंट शेल्टर फॉर मॉन्क्स एंड नन्स टू लीव। मतलब जो फॉलोअर्स थे बुद्धा और महावीरा के, उनके रहने के लिए यह जगह हुआ करती थी। और बिहारास का मतलब होता है कि ये भी एक परमानेंट शेल्टर ही हुआ करता था फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, बट इट वॉज मेड आफ्टर कटिंग नेचुरल केव्स। ये जो जो प्राकृतिक जो गुफा होती है, प्राकृतिक जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन्हें काटकर ये बनाया जाता था ताकि मॉन्क्स एंड नन्स जो है वो रेनी सीजन में वहां पे रह सके। फिर बाद में जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ, तो कुछ रिच पर्सन ने डोनेट करना शुरू किया अ पीस ऑफ लैंड फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। मॉन्क्स एंड नन्स के लिए उन्होंने कुछ जगह डोनेट करना शुरू किया ताकि वे लोग वहां पे रह सके।
और कॉमन लोग जो थे वहाँ के, वो उनके लिए फूड, क्लॉथ और मेडिसिन वगैरह लाके उन्हें दिया करते थे, और इसके बदले में मॉन्क्स और नंस जो है वो उन्हें उपदेश दिया करते थे। अब हम बात कर लेते हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है आपके बुक में आश्रमाश के बारे में, द सिस्टम ऑफ आश्रमाश, आश्रमा के क्या सिस्टम थे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो आज का लास्ट होगा। तो आश्रमा जो है बेसिकली ये स्टेज है लाइफ का, इट इज यूज्ड फॉर द स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के स्टेज के बारे में। इट डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। आश्रमास का मतलब ये नहीं है कि ये कोई जगह है जहां पे लोग रहते हैं और मेडिटेट करते हैं। लाइक आश्रम का बेसिक आश्रम जो वर्ड है बेसिकली इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये कोई ऋषि मुनि का घर होगा या फिर ऋषि मुनि का कोई आश्रम होगा जहां पे वे लोग रहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। बट इसका मतलब यहाँ पे वो नहीं है। इट इज द स्टेज ऑफ लाइफ, ये जो है वो लाइफ का स्टेज है, लाइफ में जो पड़ाव आते हैं, लाइफ में जो स्टेज है उसके बारे में बताता है। तो बेसिकली आश्रमात जो है वो चार है, देर आर फोर स्टेजेज ऑफ लाइफ। तो हमारे चार आश्रमाज है जो कि है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सम्याशा। ब्रह्मचार्य मतलब इस स्टेज में लोगों को वेद को पढ़ना होता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना होता है इस स्टेज में। ब्रह्मचार्य में ये जो स्टेज है, इस स्टेज में लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। देन उसके बाद हमारा दूसरा स्टेज आता है, दैट इज गृहस्थ, मतलब ये जो है वो शादी के बाद का स्टेज होता है। उसके बाद आता है हमारा वानप्रस्थ, मतलब इस स्टेज में लोगों को जंगल में जाकर रहना चाहिए और मेडिटेट करना चाहिए। एंड द लास्ट स्टेज इज सम्याशा, मतलब उन्हें सबको छोड़ देना चाहिए, ये जो पूरा संसार का जो नियम है, संसार का जो चक्र है, सारे ये जो मोह माया है संसार का, इन सबको छोड़कर उन्हें सन्यासी बन जाना चाहिए। सो दिस इज फोर स्टेज ऑफ आर लाइफ, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सम्यासा। मतलब ब्रह्मचार्य पहले ज्ञान की प्राप्ति करना है, फिर उनके बाद शादी, उनका घर वगैरह, उसके बाद फिर घर को छोड़ दे, जंगल में जाकर रहे, और एट द लास्ट दे नीड टू बिकम अ सन्यासी। सो दिस वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।